नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, आश्चोत्तन तर्पण विधि अध्याय का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको पहले पढ़ा दिया गया है, उसके सेकंड पार्ट के बारे में हम बताए जा रहे हैं। इसमें रात्रि आदि में अंजन करने का निषेध, इसमें बताया गया है रात्रि में अंजन करने का निषेध है, यानी रात्रि में आंखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए, उसका निषेध बताया है। निशी स्वप्ने न मध्याने म्लाने नो उष्ण गभस्ति भी अक्षी रोगाय दोषा स्व विधि उत्पीड़िता द्रुता प्रातः सायं तम त्रच्छा शैत्यम व्यभ्रे अर्के अतो अंजेत सदा। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि रात्रि में, रात्रि काले निशी स्वप्ने यानी सोते समय, मध्याह्न यानी मध्याह्न समय में और धूप में मुरझाई हुई आंखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए। धूप में, मान लो धूप में आप कहीं गए हो, आंखें आपकी मुरझा गई है, उसके आने के बाद तुरंत बाद अंजन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में अंजन करने से दोष बढ़कर उत्पीड़ित होकर और द्रव होकर यानी तरल होकर के आंखों को रोग उत्पन्न कर देते हैं। इनकी शांति के लिए या इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अंजन कम लगाना चाहिए। प्रातः सायं यानी प्रातः और सायंकाल आकाश में बादल रहित सूर्य होने पर व्यभ्री अर्के अतो, यानी आकाश में बादल नहीं हो, सूर्य हो लेकिन बादल नहीं हो, बादलों से रहित सूर्य होने पर सदा अंजन करना चाहिए। मतलब आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए और सूर्य हो प्रातः सायं, तब आपको सूर्य की रोशनी के साथ आपको अंजन करना चाहिए। अन्य आचार्यों का मत क्या है, वदन्ते अन्यम तु दिवा प्रयोज्यम तीक्ष्ण अंजनम विरेक दुर्बलम चक्षुर आदित्यम प्राप्तम सिद्धि। दूसरे आचार्य चरक आदि आचार्य क्या कहते हैं कि दिन में तीक्ष्ण अंजन का निषेध करते हैं। दिन में तीक्ष्ण अंजन है उसको निषेध करते हैं, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन से आंखों का विरेचन होने से कारण आंखें दुर्बल हुई दृष्टि से सूर्य के प्रकाश को शिथिल कर बन जाती है, सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती और सूर्य के प्रकाश को देखने के बाद में शिथिल हो जाती है, इसलिए दिन में उन्होंने इसका निषेध बताया गया है। स्वप्नेन रात्रो काले से सौम्यत्वेन च तर्पिता शीत सात्म्या दृगाग्नि स्थिरताम लभते पुनः। आगे बताया उन्होंने कि रात्रि स्वप्नेन रात्रो काले से, रात्रि में सोने से, मतलब रात्रि में क्यों सुबह क्यों लगाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कारण बता दिया उन्होंने कि स्वप्नेन रात्रो काले से सौम्य स्वभाव तर्पिता, रात्रि में सोने से और समय के सौम्य होने के कारण क्या होता है, आंखें तर्पित हो जाती है और आग्नेयमयी होते हुए भी, मतलब आंखों को क्या माना है, आंखों को आग्नेयमयी माना गया है, आंखें आग्नेय का वो है, अग्नि का रूप है, आंखें आग्नेय है, आग्नेय होते हुए भी शीत सौम्य वाली दृष्टि रात्रि में प्रयुक्त करने से अंजन को पुनः स्थिरता प्राप्त हो जाती है, शीत सौम्य, इसलिए रात्रि को इस प्रकार से इन्होंने बताया है। चरक में इसका विशेष निषेध किया गया है। अन्य मतों का अपवाद क्या है, अत्याद्रुते बला से तू लेखनी अथवा गदे काम है पी भी ना तुष्ण तीक्ष्ण अपी तीक्ष्ण प्रयोग। अन्य आचार्य क्या कहते हैं इसको कि कफ के अत्यधिक बढ़े होने पर, यानी कफा बला से अत्याधिक बला से कफ के अधिक होने पर अथवा शुक्र अर्म और लेखनी रोगों में अधिक तीक्ष्ण काल तक न होने पर आंखों से तीक्ष्ण अंजन को इच्छानुसार दिन में प्रयोग कर सकते हैं, इच्छानुसार दिन में प्रयोग किया जा सकता है। उक्त विषय में दृष्टांत क्या दिया है उन्होंने, बहुत ऐसा दृष्टांत दिया गया है कि अश्मनो जन्म लोहस्य ततः एवं तीक्ष्णता उपघातो अपि तरने वे तथा नेत्र से तेज से। मतलब उन्होंने क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि शस्त्र की उत्पत्ति पत्थर से होती है। अश्मनो जन्म लोहस्य, लोहस्य यानी लोह यानी शस्त्र, शस्त्र किसे मिलते हैं, लोह से, तो अश्मनो जन्म अश्मन पत्थर, अश्मनो जन्म लोहस्य मतलब पत्थर का, शस्त्र का जन्म किसे होता है, पत्थर से होता है। एव चे तीक्ष्णता पत्थर से ही उसमें तीक्ष्णता आती है, मतलब शस्त्र जब भोटा रहता है तो शस्त्र पत्थर में ही उसको घिसके उसकी तीक्ष्णता करते हैं। उपघातो ही तैने में, और उपघात भी उसी से होता है, अगर मान लो किसी शस्त्र को पत्थर में मार दोगे तो पत्थर से ही वो टूट जाएगा, मतलब पत्थर से ही शस्त्र उत्पन्न होता है,
पत्र से ही उसमें तीक्ष्णता आती है और पत्र से ही वो क्या उद्भात हो जाता है, यानी पत्र से ही वो टूट जाता है। उसी प्रकार से आंखों को बताया गया है, इसी प्रकार दृष्टि भी तेजस से उत्पन्न होती है और तेजस से यानी तीक्ष्णता से उसमें तीव्रता बनती है और उसी तेज से वो दूषित हो जाती है। इस प्रकार से उसने बहुत अच्छा वर्णन दिया है कि आंखें भी अग्नि होती है और तेजस से ही होती है, तेजस से तीक्ष्णता आती है उसमें और तेजस से ही वो दूषित हो जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। रात को भी अतिशीत और तीक्ष्णांजन का निषेध, रात को बहुत ज़्यादा शीतल हो और तीक्ष्णांजन हो उसका निषेध बताया गया है। नए रात्रि अभी शीते अभी नेत्रे तीक्ष्णांजन हितम, मतलब उन्होंने बताया कि रात्रि को भी रात्रि में भी अति शीत होने पर यानी रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होने पर तो तीक्ष्णांजन आँखों में नहीं लगाना चाहिए। मतलब ये देखो भाई बहुत ठंड पड़ रही है तो तीक्ष्णांजन लगा लो, नहीं, रात्रि में भी अतिशीत होने पर भी तीक्ष्णांजन में आँखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष मात्रा शब्दम कंडू जाड कादि कराता है। क्या करता है? क्योंकि शीतकाल होने से अंजन दोष को श्राव न कराकर, शीतकाल होने से अंजन क्या दोषों का श्राव तो कराएगा नहीं, कराव न करके आंखों में स्तब्धता कंडू जड़ता और आदि रोग उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अंजन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं, किन किन लोगों को अंजन नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में बताया इन्होंने कि अंजन किसको नहीं करना चाहिए। न आंजनीय भीत वमित विरक्त असित वेगित है, मतलब जो व्यक्ति भीरु भीत हो यानी डरा हुआ होती हो, डर गए हों, वमन किया हुआ व्यक्ति, विरेचन किया हुआ व्यक्ति, असित यानी भोजन किया हुआ व्यक्ति और वेगित यानी मलमूत्र के उपस्थित वेग पर हो, मतलब उसको मलमूत्र का वेग आ रहा हो ऐसे व्यक्ति, इन व्यक्तियों को अंजन नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है क्रुद्ध ज्वर ततांत अंतरिक्ष अक्षी रुक शोक उजागरे, मतलब क्रुद्ध व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो तब ऐसी स्थिति में, ज्वरक्त होने पर ज्वर हो रहा हो ऐसी स्थिति में, नितांत सूक्ष्म चमकते हुए आदि रूपों को देख करके आंखें थक गई हो उसकी ऐसी स्थिति में, बहुत देर तक कुछ देख रखा हो आप, बहुत देर तक देखते रहते हो, देखने के बाद आंखें थक जाए उसके बाद में तुरंत अंजन निकलना चाहिए। सिरो रुक यानी सिर में पीड़ा हो रही हो, ठीक है, रात्रि जागरण किया हो, सूर्य के छिपे होने पर, इसके अलावा क्या है अदृष्ट अर्के, अदृष्ट अर्के यानी अर्के यानी सूर्य, सूर्य दिख नहीं रहा हो मतलब सूर्य छिप गया हो, सिर स्नाते सिर से स्नान किया हो, पीतयो धूम मध्यो, मतलब किसने धूम और मध्य धूम पिया हो या मध्य पी हो ऐसे व्यक्ति को, अजीर्ण अजीर्ण हो जिस व्यक्ति को, अन्य कार्य या अजीर्ण के अलावा जिसने इसमें अग्नि या सूर्य से संतप्त होने पर, अन्य अर्क संतप्त यानी अग्नि और अर्क यानी सूर्य से संतप्त हुआ व्यक्ति ऐसा होने पर, दिवा सुप्ते दिन में सोते हुए व्यक्ति को, पिपासते इसको प्यास लग रही हो, इस प्रकार से इन सभी व्यक्तियों को अंजन नहीं करना चाहिए। प्रयोग में अयोग्य अंजन, मतलब कौन कौन से अंजन ऐसे हैं, ये तो व्यक्ति हो गए, अब किन किन अंजनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि अति तीक्ष्ण मृदु स्तोक वत्स घन कर्कशम अत्यर्थ शीतलम तप्त अंजनम नावचरित है, मतलब इस प्रकार के अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसा? जो अंजन अति तीक्ष्ण हो, अति मृदु हो, अत्यल्प हो बहुत छोट कम हो, अति मात्रा में हो, अति पतला हो, अति घट्ट हो, अति कर्कश हो, अति शीतल हो, अत्युष्ण हो, अंजन आँखों को नहीं, ऐसा अंजन आँखों में नहीं लगाना चाहिए। अंजन के पश्चात कर्तव्य क्या है, अंजन के बाद क्या काम करना चाहिए उसके लिए बताया है कि अथा उन्मीलियन दृष्टि मंतम संचार्य छनै अंजिते वर्तमनी कच्छी चलाए चल के अंजनम। उन्होंने बताया कि अंजन लगाने के उपरांत आँखों को बंद रख करके और बंद आँखों में ही आँखों को चलाते रहना चाहिए, बंद आँखों में ही आँखों को थोड़ा थोड़ा अंदर से आँखों को चलाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, पलकों को थोड़ा चलाए इस प्रकार से तीक्ष्ण अंजन सहसा फैल जाता है, इससे क्या इस अंदर सहसा ही अंदर फैल जाता है। तीक्ष्ण व्यापन तो सहसा ने जो उनमें से मतलब बिना खुले भी तीक्ष्ण सहसा उसको व्याप जाता है। इसके बाद में निष्पीड़नम से वर्तमभ्यम क्षालनम से समाचार, इसके बाद में आँखों को खोलना बंद करना, पलकों को दबाना अथवा आँखों को धोना नहीं चाहिए, उसके बाद में आँखों को धोना नहीं चाहिए, खोलना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए, इस प्रकार से इन्होंने बताया अंजन की बात करते हुए। नेत्र धोने की विधि क्या है, नेत्र धोने की विधि बताइए, नेत्र किस प्रकार से धोया जाए उसके लिए है कि एपे तो औषध सरणभम निवृत्तम नयने यदा व्याधि दोष ऋतु योग्य भी रद भी प्रक्षाल ये तदा,
मतलब उन्होंने बताया कि व्याधि के अनुसार, रोग के अनुसार, देश के अनुसार, ऋतु के अनुसार ही औषधों को प्रक्षालन करना चाहिए। कैसे? जब आंख में औषध की बेचैनी कम हो गई हो, पेत औषधम संरभम निवृत्ति नयनम, निवृत्ति यानी समाप्त हो गई हो, नयनम में यानी आंखों में जो आपने औषध लगाई है उस औषध की संत, मतलब औषध लगाने के बाद एक बार औषध लगती है तो उसकी संतप्त पूरी वो संरभ समाप्त हो गया हो उसको, ठीक है ना, बेचैनी कम हो गई हो, तब व्याधि के अनुसार, दोष के अनुसार, ऋतु के अनुसार उसको जल से धोए, मतलब जिस किस प्रकार की व्याधि है, किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार की औषध ऋतु है उसके अनुसार उष्ण से, कोष्ण से या शीतल जल से उसको प्रक्षालन करना चाहिए। नेत्र शोधन की विधि क्या है कि दक्षिण अंगुष्ठे कान्यक्षी ततो वामम से वासया ऊर्ध्वर्तमनी संग्रहयो शोध्यम वामेन चेत रहता है। इस प्रकार उन्होंने आँख धोने का, आँख को साफ करने की विधि बता दी है उन्होंने कि दक्षिण हाथ के अंगूठे को वस्त्र लपेट कर, दक्षिण हाथ के अंगूठे में वस्त्र को लपेट, मतलब नाखून लग जाए तो नाखून नहीं लगे इसलिए इसको वस्त्र का लपेट लो, उसे अच्छा वस्त्र लपेट लो, और वाम आँख को ऊपर के पलक में से पकड़कर साफ करना चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिण आँख के ऊपर के पलक को पकड़कर वाम हाथ के अंगूठे में कपड़ा लगा करके इसको साफ करना चाहिए, मतलब अंगूठे में कपड़ा लगा करके फिर दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके फिर आँख को साफ करना चाहिए। नेत्र शोधन नहीं करने से हानि क्या हो सकती है उसके बारे में बताया है कि वर्त में प्राप्तो अंजन दोषो रोगान कुरियात अन्यथा, आँखों का शोधन न करने से पलकों में लगा हुआ अंजन रोगों को पुनः उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। कंडू आदि रोगों में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग, कंडू जाड्यम अंजनम तीक्ष्णम धूमम च योजित पुनः, और अगर मान लो आँखों में कंडू हो यानी खुजली, खुजली हो रही हो, जड़ता आ गई हो, या तो तीक्ष्ण अंजन को फिर से प्रयोग करना चाहिए और धूमपान करना चाहिए, तीक्ष्ण प्रयोग करने के बाद में धूमपान योजिए, धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्णांजनम अभितप्तम तो चूर्णम प्रत्यंजनम हितम, और आगे क्या बताया उन्होंने कि तीक्ष्ण अंजन के अभितप्त आँखों में शीतल चूर्ण का प्रत्यंजन करें, शीत मतलब ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण अंजन में अभितप्त आँखें हो तो शीतल चूर्ण का उसमें प्रत्यंजन यानी उसको छिड़कना, प्रत्यंजन करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसॉल्व इट। थैंक यू।